वक्त आए लोग उसे मिलने आए, यहाँ पे क्या माहौल चल रहा। एक तो जो सरकार ने कहा कि भाई होटलों पर नाम जरूर लिखो, तो इन्हें बागपत वालों को बताऊंगा अपना भाई बच कर रहियो, सरकार के हर एजेंडे पर काम भी नहीं करना, अपने लोगों को कोई गलत उसमें ना रहे हैं समझा कर रखना। क्योंकि मुजफ्फरनगर और ये सब ट्राल पहले 2013 में यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने सबने दिया है, गन्ने के भुगतान है, यहाँ का शुगर फैक्ट्री है उसकी बड़ी समस्या है। हमने कहा भाई शुगर फैक्ट्री का भुगतान यहाँ से नहीं होने का, यहाँ से लोगों को चलना पड़ेगा, इकट्ठा होगा मोदी नगर, उसके प्लांट बंद करने पड़ेंगे दूसरे दिन के ग्रुप पे, तो भुगतान हो जाएगा। तो बड़ी समस्या है। कहीं अभी बजट आने वाला है पर नए राजनीतिक समीकरणों में एक दल जो है जो किसानों को एसएचपी कहा जाता है वो भी सरकार में घटक है, क्या लगता है बजट को लेकर टिकैत साहब क्या अपेक्षा है आपकी, क्या उम्मीद है सरकार? देखो बजट पे वो चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, वो नौकरी पेशे वाला आदमी हो, किसान हो, सबको ये रहता है कि बजट में कुछ न कुछ राहत हमको मिलेगी। बजट में इस तरह की घोषणा होगी कि हमको लाभ हो, लेकिन इस सरकार से उम्मीद ज्यादा नहीं करी जा सकती। ये सरकार तो बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, ये तो करेगी कि पब्लिक के पास से पैसा और पब्लिक गरीब कैसे होगी उस पर प्लान इनकी रहती है। इनको चाहिए हिंदुस्तान में लेबर, और लेबर सस्ती जब होगी जब उसके पास से पैसा खत्म होगा, रोजगार खत्म होगा, अग्निवीर जैसी योजनाएं आएंगी, लोग धार्मिक कर्मकांड में उसमें उलझे रहेंगे। तो बजट से ज्यादा उम्मीद इनसे नहीं करी जा सकती। जो सरकारें किसानों से बात ना कर लेती हो तो उससे बजट की क्या उम्मीद करें। ये देश तो आंदोलन से बचेगा, आंदोलन होते रहेंगे, संगठन मजबूत होंगे तो ये देश बचेगा। अपनी बात कहते रहो, नहीं तो गुजरात मॉडल यहाँ पे भी बढ़ने वाला है। गुजरात में लोगों को कोई आज़ादी नहीं है कि वे बात भी अपनी कह दे, हाथ उठाने की भी उनको आज़ादी नहीं है, वहाँ पे पर्चे दर्ज होते हैं। तो वही मॉडल क्या पूरे देश भर में बनेगा? तो बजट से कोई उम्मीद नहीं हो लगाई जा सकती। किसान का कोई भला संभावित बजट में नहीं है आपके हिसाब से? नहीं लगता भाई, हमको तो दिखे लगता नहीं। अरे भाई कोई करिश्मा ही हो जाए, क्योंकि आदमी जब राजा खुश हो जाते तो दान पुण्य कर दे, डरा हुआ राजा भी छोड़ के जा कुछ, अरे भाई खुश हुआ राजा भी करे तो, राजा खुश तो है नहीं, डरा हुआ है तो डर में कुछ कर जा तो भाई भाग साग जनता के। अच्छा ठीक है सर, आपने एक बयान ये भी दिया था इस कावड़ प्रकरण में कि तमाम हिंदू को एक नियम बना दिया जाए कि हिंदू नॉनवेज न खाए। भाई ये जो बीजेपी वाले हैं जिन्होंने ये कहा, वो एफिडेविट जरूर दे कि भाई हम नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा तो यही तो खा रहे हैं, और फिर सेंधा नमक है हम फास्ट में इस्तेमाल करते हैं उसका, उसको भी बता दे कहाँ से आ रहा। क्या इस तरह की गलत फहमियां डाल लेंगे, कल वो नमक पाकिस्तान से जो खदानों से आता है, कल वे उसमें कुछ कर भेजने लगे, उसका क्या करोगे? ज्यादा गलत फहमी धार्मिक और जातिवाद, ज्यादा गलत फहमी नहीं सरकारों को ये डिवाइड्स करना चाहिए। कल अनाज भी को उसका कहाँ सा, उसकी भी क्या मार्किंग करोगे, क्या ब्लड कौन दे रहा है उसके भी वो करोगे, क्या डॉक्टर कौन होगा, स्कूल में पढ़ाने वाला कौन होगा, ये मकान किसने बना रखे उस पर भी लिख दो कि इस मकान में किस किसने बनवाया, बाल काटने वाले कौन है वो भी लिख दो। ये जाति का जहर ज्यादा नहीं घोलना चाहिए सरकार को। सर जो है अखिलेश जी भी कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को बुला भी रहे हैं, क्या है आयु सरकार ऐसा है ना, इनका कुछ नहीं, इनका बीजेपी वालों का बहुत बड़ा मकड़ जाल है, इनके चक्र में तो जो फंस जाएगा वो निकले थोड़ा, इनमें कोई कहीं नहीं जा रहा। ये आपस में ही बयान देखे, ये देखे कि कौन किसके साथ में है, जोन सा निकलता था दिखेगा नेता, नेता को तो ये मारते हैं, नेता की तो ये वो जो जिसे भ्रूण हत्या नहीं होती ऐसे करते हैं ये।
ये कहीं नहीं जाएंगे, ये ढाई साल बाद में योगी जी जाएंगे सेंटर में, अभी तो टाइम है इनका, यहीं रहेंगे, ये फिर बनेंगे होम मिनिस्टर, और फिर इनका बुलडोजर पूरे देश भर में चलेगा, इनसे फिर डर बने का काम करेंगे, अभी नहीं कहीं कोई जा रहा। पत आए लोग उसे मिलने आए, यहाँ पे क्या माहौल चल रहा, एक तो जो सरकार ने कहा कि भाई होटलों पर नाम जरूर लिखो, तो इन्हें बागपत वालों को बताऊंगा अपना भाई बच कर रही हो, सरकार के हर एजेंडे पर काम भी नहीं करना, अपने लोगों को कोई गलत उसमें ना रहे हैं समझा कर रखना, क्योंकि मुजफ्फरनगर और ये सब ट्राल पहले 2013 में यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने सबने दिया है, गन्ने के भुगतान है, यहाँ का शुगर फैक्ट्री है उसकी बड़ी समस्या है, हमने कहा भाई शुगर फैक्ट्री का भुगतान यहाँ से नहीं होने का, यहाँ से लोगों को चलना पड़ेगा इकट्ठा होगा मोदी नगर, उसके प्लांट बंद करने पड़ेंगे दूसरे दिन के ग्रुप पे तो भुगतान हो जाएगा, तो बड़ी समस्या है। कहीं अभी बजट आने वाला है और नए राजनीतिक समीकरणों में एक दल जो है जो किसानों को एसएचपी कहा जाता है वो भी सरकार में घटक है, क्या लगता है बजट को लेकर टिकैत साहब क्या अपेक्षा है आपकी, क्या उम्मीद है सरकार? देखो बजट पे वो चाहे व्यापारी हो, दुकानदार हो, वो नौकरी पेशे वाला आदमी हो, किसान हो, सबको ये रहता है कि बजट में कुछ न कुछ राहत हमको मिलेगी, बजट में इस तरह की घोषणा होगी कि हमको लाभ हो, लेकिन इस सरकार से उम्मीद ज्यादा नहीं करी जा सकती। ये सरकार तो बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, ये तो करेगी कि पब्लिक के पास से पैसा और पब्लिक गरीब कैसे होगी उस पर प्लान इनकी रहती है, इनको चाहिए हिंदुस्तान में लेबर, और लेबर सस्ती जब होगी जब उसके पास से पैसा खत्म होगा, रोजगार खत्म होगा, अग्निवीर जैसी योजनाएं आएंगी, लोग धार्मिक कर्मकांड में उसमें उलझे रहेंगे, तो बजट से ज्यादा उम्मीद इनसे नहीं करी जा सकती। जो सरकारें किसानों से बात ना करती हो उससे बजट की क्या उम्मीद करें, ये देश तो आंदोलन से बचेगा, आंदोलन होते रहेंगे, संगठन मजबूत होंगे तो ये देश बचेगा, अपनी बात कहते रहो, नहीं तो गुजरात मॉडल यहाँ पे भी बढ़ने वाला है, गुजरात में लोगों को कोई आज़ादी नहीं है कि वे बात भी अपनी कह दे, हाथ उठाने की भी उनको आज़ादी नहीं है, वहाँ पे पर्चे दर्ज होते हैं, तो वही मॉडल क्या पूरे देश भर में बनेगा, तो बजट से कोई उम्मीद नहीं हो लगाई जा सकती। किसान का कोई भला संभावित बजट में नहीं है आपके हिसाब से? नहीं लगता भाई, हमको तो देखे लगता नहीं, अरे भाई कोई करिश्मा ही हो जाए, क्योंकि आदमी जब राजा खुश हो जाते तो दान पुण्य कर दे, डरा हुआ राजा भी छोड़ के जा कुछ, अरे भाई खुश हुआ राजा भी करे तो राजा खुश तो है नहीं, डरा हुआ है तो डर में कुछ कर जा तो भाई भाग साग जनता के। अच्छा ठीक है सर, आपने एक बयान ये भी दिया था इस कावड़ प्रकरण में कि तमाम हिंदू को एक नियम बना दिया जाए कि हिंदू नॉनवेज न खाए। भाई ये जो बीजेपी वाले हैं जिन्होंने ये कहा वो एफिडेविट जरूर दे कि भाई हम नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा तो यही तो खा रहे हैं, और फिर सेंधा नमक है हम फास्ट में इस्तेमाल करते हैं उसका, उसको भी बता दे कहाँ से आ रहा, क्या इस तरह की गलत फहमियां डाल लेंगे, कल वो नमक पाकिस्तान से जो खदानों से आता है कल वे उसमें कुछ कर कर भेजने लगे उसका क्या करोगे, ज्यादा गलत फहमी धार्मिक और जातिवाद ज्यादा गलत फहमी नहीं, सरकारों को ये डिवाइड्स करना चाहिए, कल अनाज भी को उसका कहां से, उसकी भी क्या मार्किंग करोगे, क्या ब्लड कौन दे रहा है उसके भी वो करोगे, क्या डॉक्टर कौन होगा, स्कूल में पढ़ाने वाला कौन होगा, ये मकान किसने बना रखे उस पर भी लिख दो कि इस मकान में किस किसने बनवाया, बाल काटने वाले कौन है वो भी लिख दो, ये जाति का जहर ज्यादा नहीं घोलना चाहिए सरकार को। सर जो है अखिलेश जी भी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को बुला भी रहे हैं, कैसा लग, क्या है आयु सरकार ऐसा है ना, इनका कुछ नहीं, इनका बीजेपी वालों का बहुत बड़ा मकर जाल है, इनके चक्र में तो जो फंस जाएगा वो लिख रहे थोड़ा, इनमें कोई कहीं नहीं जा रहा,
ये आपस में ही बयान देखे, ये देखे कि कौन किसके साथ में है। जोन सा निकलता था दिखेगा नेता, नेता को तो ये मारते हैं, नेता की तो ये वो जो जिसे भ्रूण हत्या नहीं होती ऐसे करते हैं। ये कहीं नहीं जाएंगे, ये है ढाई साल बाद में योगी जी जाएंगे सेंटर में, अभी तो टाइम है इनका, यहीं रहेंगे, ये फिर बनेंगे होम मिनिस्टर और फिर इनका बुलडोजर पूरे देश भर में चलेगा, इनसे फिर डरवाने का काम करेंगे। अभी नहीं कहीं कोई जा रहा।